हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी तरफ़ से मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन की। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10:20 होने जा रहे हैं और झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, जो भी रूटीन था काम वो मैंने कर लिया है और नहा भी चुके हैं हम। मैं फ़िलहाल बनाने जा रही हूँ खाना। खाना जल्दी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने मेहंदी नहीं लगा पाई। और अगर कीप होती तो मैं लगा भी लेती, मेहंदी की कीप थी ही नहीं। तो अभी मैंने मंगाई है अपने पतिदेव से, तो वो लेने गए हैं। और मैंने चूड़ी भी मंगवाई है जो ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ उसकी। तो फिलहाल मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में मेहंदी लगाते समय। तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, अभी ना नीचे सूट बेचने वाला है, हालांकि ये मार्केट है, यहाँ पे तो मतलब सारी शॉपी हैं, पर गली के थोड़े अंदर आ गया था जो फेरी वाले होते हैं वो, तो काफ़ी सारे लोगों ने सूट लिए थे, तो मुझे भी बुलाया गया कि सुमन को भी बुला लो देख लें। तो मैंने पसंद किया है तो मैं ये वाला ले कर आई हूँ सूट। इसमें कलर दूसरा दिखाई दे रहा है पर ये फ्रोजी है, इसमें आसमानी दिखाई दे रहा है पर ये फ्रोजी कलर है ये। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इसमें टाइम और वेस्ट हो गया मेरा, तो चलिए फिर मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो अभी बच चुके हैं 2, आप खुद ही देख लीजिए कितना टाइम हो गया है। ये देखिए 2:15 हो चुके हैं। और हाँ, मैंने मेहंदी रख ली है, मेहंदी रखी तो मैंने लाइव भी चला ली थी 20 मिनट के लिए। और उस टाइम पे क्या हुआ, फ़ोन ऑफ हो गया, बैटरी थी नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया तो वीडियो मैंने ज़्यादा बना नहीं पाई बीच में जो मेहंदी रख रहे थे उसका, क्योंकि उस टाइम पे लाइव चला रहे थे। तो फिलहाल मैं पहले ज्ञानवी को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी भतीजी थी जो राखी बांधने आई थी अपनी चाची को, तो वो शर्मा गई थी, कह रही थी मेरा वीडियो ना लो। तो ये मैंने ड्रेस पहन ली है, कैसी लग रही कमेंट में जरूर बताइएगा, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, ये देखिए कैसे लग रहे हैं हम, और ये चूड़ी पहनी है, ये देखिए बिल्कुल मैच की मिल गई हैं, लग नहीं रहा था कि मिल जाएंगी। फिलहाल दुपट्टा भी डाल देते हैं, ये है दुपट्टा, इसको अच्छे से ओढ़ लेते फिर मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं मायके की तरफ, फिर मिलते हैं आपको वहीं पर। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हाँ, अभी थोड़ा मैस ही पड़ा है रूम, तो ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ज्ञानवी को मैंने तैयार कर दिया था। इधर ज्ञानवी ना बहुत सारी शैतानियाँ कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं, ये देखो। फिर मैं जा रही थी मायके, तो रास्ते में होने लगी थी बारिश, घेवर ले रहे थे तो वहीं पे शॉप पे ही बारिश होने लगी थी। तो इधर देखिए मैं खड़ी थी दूसरी जगह पर, और यहाँ से सिर्फ 2 मिनट का ही रास्ता रह गया था घर पर जाने के लिए। और बहुत तेज़ पहले ही बारिश हो चुकी थी, आप देख सकते हैं कितना पानी भरा था रोड पर। तो अभी भी इतनी बारिश थी कि हम जब तक 2 मिनट में घर पर पहुँचते तब तक भींग जाते, भींगते भांगते हम तो आ गए। पर देखो इन्हें देखो, ओलो ओलो, खलगोजी है, खलगोजी हम सब भींग गए हैं। और देखो क्या चीज छाछ लेने हैं, कैसी कैसी ज़्यादा भींग गए हम। कहाँ जा रहे हो, कहाँ कौन बोल रहे हो भैया, कहाँ जाने हो? कैसे लगे सबको जरूर बताइएगा कमेंट में, गालियाँ बात हो रही है। छोने लग रहे हो तुम, छोने लग रहे हो। तो दोस्तों, ये है मेरा छोटा भाई, मैं इसको टीका कर रही थी, और इसकी एंकी इसकी छोटी वाली बेटी ने ले ली थी, तो इसको दे ही नहीं रही थी वो, तो इसने क्या करा टावल ही डाल ली अपने ऊपर। फिर उसके बाद मैंने टीका करने के बाद इसको घेवर खिलाया। और हम लोग ना दीदी के यहाँ पे हैं, बड़ी दीदी के यहाँ पर, और सबसे पहले राखी मैं ही इसको बांध रही हूँ, अभी छोटी बहन और बड़ी दीदी ने राखी नहीं बांधी इसके। और मैं ना बहुत ज़्यादा भींगी थी, आप लोग देख सकते हैं, पंखे की हवा में काफ़ी सूख भी गई थी, तब दुपट्टा आप देख सकते हैं कितना भींगा हुआ है। और मैं भी बहुत तेज़ बारिश हो गई थी यहाँ पे। उसके बाद ये चांदी का गधा मैंने बनवाया था बजरंगबली का, वो गिफ्ट किया इसको। और ये चाबी दे रहा था मुझको ऐसे जैसे ये बाइक गिफ्ट कर रहा हो, पर ये चाबी मेरी बाइक की थी, ये कुछ काम से लेके गया था।
फिर मैंने इसको इसका वाला गेवर दे दिया था। फिर यहाँ पे चल रही थी मेरी बर्थडे की पार्टी। ये देखिए, कोल्ड ड्रिंक और नमकीन ही मंगाई थी, केक नहीं मंगाया था, क्योंकि केक अभी सारे लोग थे नहीं यहाँ पे, बड़े भैया के यहाँ पे सारे लोग होंगे इसलिए वहीं पे केक काटेंगे। तो मम्मी बोल रही थी तुमने बेटी राखी नहीं बांधी, मैंने कहा ठीक है मम्मी बांध रही, तो मैं मम्मी को राखी बांध रही थी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पार्टी क्लोज होती है, फिर यहाँ पे ओपन होती है। ये देखिए भाभी हैं, ये मेरी, सारे लोग थे, मैं राखी बांध चुकी थी उस टाइम पे, वीडियो नहीं बना पाई बड़े भैया का, छोटी बहन बांध रही थी। यहाँ पे केक भी आ गया था और ज्ञान भी को तसल्ली नहीं हो रही थी, बोल रही थी मम्मी जल्दी इसको खोलो, तो कह रही थी किसका हैप्पी बर्थडे है, इसको पता था कि मेरा हैप्पी बर्थडे है, फिर भी बार बार पूछ रही थी। बच्चों का तो होता ही है, केक आए ना और वो पहले से जान जाते हैं कि हाँ किसी का बर्थडे है। केक निकालने के बाद क्या हुआ कि छोटा भाई थोड़ा बारिश में फंस गया था, बारिश बंद ही नहीं हो रही थी, थोड़ा दूर था, काफ़ी टाइम बाद हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो मैंने सोचा वो भी आ जाएगा साथ में केक काटेंगे। भैया थे, सब लोग थे, पर छोटा भाई आ ही नहीं पाया बारिश की वजह से, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी, गाड़ी से था वो और गाड़ी अंदर आ नहीं पा रही थी गली के अंदर, तो इसलिए उसी का वेट कर रहे थे। तो इधर ज्ञान भी काटने के लिए तैयार थी बार बार, तो काटने नहीं दिया उसको, वेट कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे फिर सब लोग बोले वो आ नहीं पाएगा, केक काटो, तो हम लोग केक काट रहे थे। तो ज्ञान भी देखिए कितनी खुश हो रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी ज्ञान भी। कुछ बोल रही थी मुझसे, वो किराए पे रूम है, वो रहती है, एक लेडीज है, उसका बच्चा बैठा था ये कुर्सी पे, कुछ सामान बोली तो मुझे पुच्छा दे रही थी, पहले इसने हाथ पे दिया, फिर मैंने कहा नहीं नहीं यहाँ पे दो, तब उसने वहाँ पे दिया गाल पे। तो सबसे पहले मैंने केक ज्ञान भी को खिलाया और उसके बाद फिर मम्मी ने मुझको खिलाया। ये देखिए, और पता सब ने मुझे डबल डबल पैसे दिए थे, बहुत मज़ा आया सच में। दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ घर पे और टाइम हो गया है 10:15 का, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मायके से तो मैं जल्दी आई थी, पर मैं गई थी मौसी सास के यहाँ पे, भतीजा था तो उसके राखी बांधने गए थे, ज्ञान भी मतलब राखी बांधती है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, वहाँ पर ही ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद फिर रास्ते में एक शॉप थी, वहाँ पर भी थोड़ा काम था, तो वहाँ पर भी टाइम लग गया, तो अभी मैं पहुंच पाई हूं। और आप देख सकते हैं हालत क्या हो रखी है इन चूड़ियों की वजह से। मैंने वेलवेट की मंगाई थी, वेलवेट की मिली नहीं थी, तो इन्होंने क्या करा यही वाली ले आए थे, तो इन्होंने आप देख सकते हैं कितना इसमें शाइनिंग शाइनिंग वाला किरकिरा छूटा है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है। तो वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।